हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ क्लास सिक्स। और सब्जेक्ट मैथ का ये चैप्टर 21 चल रहा है और उसमें हम पढ़ रहे हैं सर्कल एंड पैरालेलोग्राम। तो ये थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें हम सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एक सर्कल होता है और सर्कल के जो यहाँ सेंटर से लेके इसका और ये सर्कमफ्रेंस होता है इसका, ये गोल गोल जो बाहरी दीवार होती है ये क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। और यहाँ पे एक सेंटर होता है जहाँ से इसकी दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और इसकी दूरी यानी सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेडियस। अब देखिए, ये रेडियस अगर सेंटर तक पहुंचे उसके बाद सीधे आगे तक फिर अगली वाली दीवार से टकरा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, और ये स्केंट होता है जो कि सेंटर में ना मिले, बाकी उसमें जो हमारा सर्किल है उसके अंदर कोई नंबर लाइन हो। ठीक है, बस ये सारी चीजें हैं। और देखिए, सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल होता है जो कि आधा यानी कि हाफ सर्कल होता है। ठीक है, और आर्क क्या होता है, जैसे कि कहीं पे कोई आर्क ऐसे जो लगा हुआ है और उसमें कोई कहीं पे ऐसी बाउंड्री नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलते हैं। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, जो दो जो हमारी वो होती है रेडियस होती है उनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये एक चौथाई ट्रायंगल सॉरी उसका सर्किल का हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसके क्वेश्चन करना है हमको। तो करा कि ऑल द ऑफ सर्किल आर इक्वल, क्या सर्किल में इक्वल होता है, तो रेडियस हमेशा क्या होती है इसकी, इक्वल होती है। ठीक है, फिर कह रहा है द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं हम, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। फिर कह रहा है एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन, कोई भी पार्ट हो सर्कल का तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, जैसे कि ये सर्कल है ऐसे, इसका आधा पार्ट हो गया या थोड़ा सा पार्ट हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलते हैं। फिर कह रहा द रेडियस ऑफ सर्कल इज ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है, तो इसके डायमीटर की रेडियस क्या होती है, तो ये क्या होती है, 1/2 होती है या 1/2 होती है। ठीक है, फिर कह रहा द मिड पॉइंट ऑफ अ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ किसका, डायमीटर, जो डायमीटर होता है उसका मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये डायमीटर हो जाएगा और मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ओके, फिर देखिए आगे क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है, राइट ट्रू और फॉल्स। करा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल कार्ड, यानी कि कोई लाइन सेगमेंट है वो दो ऐसे कोई सर्कल है, दो पॉइंट को क्या हो रहा है, जोड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्ड एंड आर्क। ठीक है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो वो क्या होती है, वो आर्क नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया था वो क्या होती है, स्केंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्केंट बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला फॉल्स हो जाएगा। फिर करा ऑल डायमीटर आर क्वाड, करा ऑल जो जितने डायमीटर होते हैं वो कार्ड होते हैं, तो हाँ सही बात है, ये कार्ड होते हैं, ट्रू, इसको कार्ड बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लगी होती है। फिर करा अ सर्किल हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ रेडियस, रेडियस की जो नंबर होती है वो फिक्स होती है, तो यहाँ पे रेडियस की नंबर फिक्स नहीं होती, तो इस तरीके से हम कह देंगे ये फॉल्स है। ठीक है, ये कह रहा द एरिया लेइंग बिटवीन टू रेडी यानी रेडियस इज अ टेंजेंट,
नहीं ये टेंजेंट नहीं होता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होता हो जाएगा। फिर क्या है, ट्विस्ट अ सर्कल इज सेमी सर्कल, यानी सर्कल का जो दो गुना होता है वो सेमी सर्कल होता है, तो ये फॉल्स होता है, जबकि ये क्या होता है, हाफ होता है। क्या होता है, हाफ। फिर कह रहा फ्रॉम द गिवेन फिगर आइडेंटिटी द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें जो चीजें दी हैं उनको क्या करना है, पहचान करना है यहाँ से, ठीक है। तो कह रहा रेडियस, रेडियस कौन हो जाएगी इसमें, तो रेडियस इसमें हो जाएगी ओ एल, क्या हो जाएगी, ओ एल रेडियस हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा अ डायमीटर, तो इसमें डायमीटर कौन हो जाता है, पी क्यू डायमीटर हो जाता है, क्या डायमीटर हो जाएगा, पी और क्यू। फिर कह रहा अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कौन हो जाएगा, पी और क्यू, ये हो जाएगा सेमी सर्कल, क्या हो जाएगा, पी क्यू सेमी सर्कल हो जाएगा। या हम इसे पी ए क्यू भी बोल सकते हैं, ऐसे पी ए क्यू सेमी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है सेंटर, सेंटर कौन है, ये है ओ सेंटर है। फिर कह रहा आ सेगमेंट, सेगमेंट कौन हो जाएगा, ये आर और एस, ये क्या हो जाएगी, एक सेगमेंट हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, सेक्टर, सेक्टर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा एल ओ क्यू, ये एक सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर है ओ इज द सेंटर ऑफ द टू सर्किल, ठीक है, दो सर्किल दिए हैं, उनका सेंटर जो है वो कौन है, ओ है, ठीक है। फिगर ड्रॉन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग, अब इसको ब्लैंक्स में फिल करना है, ठीक है। आर रेडियस ऑफ द इनर सर्किल, इनर सर्किल के रेडियस कौन है, तो ये हो जाएगा ओ जिसे इसमें हम कह सकते हैं कि ओ बी भी हो जाएगा, इनर सर्कल की जो वो होगी तो हो जाएगी ओ डी ओ ई और ओ क्यू, ठीक है, ओ डी कमा ओ ई और ओ डी, ओके, यानी कि एक तो ये हो जाएगी, दूसरी रेडियस ये हो जाएगी और तीसरी ये हो जाएगी, ओके। फिर कह रहा ओ पी ओ बी ओ ए आर द, ओ पी ओ ए ओ बी, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है, ऑफ द सर्कल एन, ठीक है, सर्कल एन की ये क्या है, रेडियस है, एन सर्किल, सर्किल की क्या है, ये रेडियस है, यानी एन है ये बाहर वाला सर्कल, ठीक है, तो और एम ये अंदर वाला है, तो या फिर ये आउटर कह सकते हैं इसको, बाहर वाले की, ठीक है। फिर कह रहा डी ई इज अ, ठीक है, डी ई, ये डी है और ये ई है, डायमीटर ऑफ, ये डायमीटर है, ठीक है, डाई मीटर ऑफ सर्कल, क्या एम, एम या इनर सर्कल, या इनर सर्कल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा ए बी इज अ, जो ए बी है वो क्या है, ए बी ये क्या है, डायमीटर है, क्या है, डायमीटर है, और सर्कल किसका, बाहर वाले का, यानी एन सर्कल का, यानी कि आउटर वाले सर्कल का। फिर क्या कह रहा है, द टू सर्कल आर कॉल्ड, दो सर्कल दो सर्कल जो है इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक, यानी कि इनका जो सेंटर है वो एक है, तो यानी कि सहकेंद्रक भी बोल सकते हैं। फिर कह रहे हैं डी एम ई इज अ, डी एम ई ये क्या है, ये क्या है, डायमीटर है, क्या हो जाएगा, एक डी
ME, ये क्या बन जाएगा, ये सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है, सेमी सर्कल। ओके क्या बन जाएगा, ये सेमी सर्कल हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि ANB क्या है, ANB ये देखिए एक सेमी सर्कल बन रहा है ऐसे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। ओके फिर कह रहा, देखिए कह रहा चॉइस मल्टीपल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, कौन सर्कल का डबल होता है, तो ये क्या होता है, डायमीटर होता है। फिर कह रहा है 1/4 ऑफ द रीजन सर्किल इज, उसको क्या बोलते हैं, 1/4 को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। फिर 7 का, टू और मोर सर्किल विद द सेम सेंटर आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको, कोसेंट्रिक, क्या बोलेंगे, कोसेंट्रिक। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ अ सर्कल, ठीक है, 1 रुपी कॉइन होता है सर्कल, बुक नहीं होता है, ठीक है, और ये सारे फुल मून और ये व्हील ऑफ साइकिल ये होता है, ठीक है। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर देन इट्स डायमीटर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 9 का C हो जाएगा। ओके फिर कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ड्रॉ अ सर्किल ऑफ 6 डायमीटर 6 सेंटीमीटर। जैसे हमने एक सर्किल बना लिया, इसका डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर। मार्क द सेंटर ओ, ठीक है, ये सेंटर होगा इसका और इसको हम मार्क करेंगे ओ से, ठीक है। ड्रॉ अ डायमीटर पी क्यू एंड अ रेडियस ओ ए, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, ये पी क्यू हो जाएगा और एक रेडियस इसमें से कहीं भी ऐसे मिला दो तो ये इसका ए नाम दे दो, तो ओ ए ये रेडियस हो जाएगी। मीजर दियर लेंथ एंड कंपेयर दें, इनकी लेंथ अपने से मापिएगा बना के और फिर उनको दोनों को कंपेयर करिएगा कि इसका 2 गुना है या नहीं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करा मार्क अ पॉइंट ओ, एक ओ पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है इसको ओ कर दो, ठीक है, विथ सेंटर ओ, ड्रा 3 सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, व्हाट टाइप ऑफ सर्किल आर दिस, किस टाइप के सर्कल होंगे ये सारे, ठीक। तो पहले एक 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके ऐसे एक सर्किल, फिर 4 सेंटीमीटर का दूसरा सर्किल और फिर 5 सेंटीमीटर का ये तीसरा सर्किल बना देना है, और ये होंगे क्या, ये तीनों क्या होंगे, कोसेंट्रिक होंगे, को सेंट्रिक हो जाएंगे। फिर कह रहा है ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड मार्क एनी 3 पॉइंट ओ ए एंड बी विच कंटेन ए इन इंटीरियर एंड बी द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है, एक सर्किल ऐसे खींचना है जिसकी जो रेडियस है वो 4.5 होनी चाहिए, ऐसे 4.5 होनी चाहिए। फिर करा एंड मार्क एनी 3 पॉइंट ओ ए एंड बी, ठीक है, कंटेन ए इन द इंटीरियर एंड बी द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। देखिए ये तो सेंटर हो गया, ये ओ हो गया, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, और बी यहाँ पे ये पॉइंट बी हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। ओके फिर कह रहा है ड्रा अ सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रा अ सेक्टर
अक्वाडेंट एंड स्केंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखिए एक सर्कल बनाओ ऐसे, और फिर क्या कह रहा है, उसका जो सेंटर होगा वो, उसको क्या बोलेंगे, ओ से बोलेंगे उसको। एंड रेडियस कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ड्रॉ अ सेक्टर, एक सेक्टर बनाना है, तो सेक्टर बनाने के लिए क्या बनाएंगे हम, ये बन जाएगा सेक्टर। ठीक है, और ये बन गया चलो क्वाड्रेंट, और इसमें क्या बनाना है, स्केंट भी बनाना है आप सर्कल, जैसे ये कहीं से एक लाइन मिला दो, यानी जो इसका कॉर्ड होगा, कॉर्ड और जो ये कर्व होगा इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम, स्केंट बोलेंगे। और यही बढ़ के जब सेंटर तक आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। फिर क्या है, ड्रा अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रा करना है। ये 5 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है, ये ओ पॉइंट हो गया। सो माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क अगर हमें शो करना है तो जैसे कि ये देखिए, इसको ब्लैक से कर दे रहे हैं, माइनर आर्क लगाना है तो ये, मेजर आर्क लगाना है तो ये मेजर आर्क हो गया। ठीक है, फिर कह रहा माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, मार्क अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट यहाँ पे ए बी पी क्यू, इस तरीके से हम इसको पॉइंट दे सकते हैं।